वासल न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में सैकड़ों ऑटो ड्राइवर है ताकि अब तो कोई तो पैसेंजर ऐसा होता है ताकि अपने परिवार के लिए कहां पर जाना पड़ता है वहां पर तो ऑटो ड्राइवर छोड़ देते हैं, मगर कुछ ना कुछ भूल जाते हैं ताकि पैसेंजर को ये भी पता नहीं चलता ताकि किस ऑटो में ना नंबर देखते हैं ना इस ड्राइवर का नाम पूछते हैं ना कोई अता ना पता रहता है। तब विजयपुर शहर में कहीं हजारों लाखों से ऑटो रिक्शा है, मगर अब अनवर नाम का व्यक्ति जब किसी ने अपने ऑटो में जब कोई बैग छोड़ देते हैं तब उनको ढूंढने निकल पड़ते हैं ताकि उनकी अमानत उनको पहुंचे, ताकि ऐसे मुसीबत के जमाने में आज किसको पैसों की जरूरत नहीं है, इस जमाने में हर किसी को पैसों की जरूरत है, मगर ईमानदार भी उतने ही है जितने इस जमाने में आज हमने आपको इस टीवी पे स्क्रीन पे बता रहे हैं, ताकि जब पैसेंजर नाम मिलने से अगर ऑटो ड्राइवर भी ये नहीं पूछता ताकि आपका नाम आपका मोबाइल नंबर ताकि आप किस गांव से आए हैं ये भी नहीं पूछ पाते, ताकि जब एक बैग मिस होता है तब उन्होंने जाते हैं सीधे ट्रैफिक ASI बिरादार तो उनके पास जाकर शिकायत करते हैं ताकि किसी पैसेंजर ने ऑटो रिक्शा में ये बैग छोड़ दिया है आखिर इसमें क्या है ये चेक भी नहीं करते, जब पुलिस वाले आते हैं तभी उनके हाथ में देते हैं। कितने ईमानदार आज लोग भी है यही एक सबूत बनता है अनवर ऑटो ड्राइवर से ही। जब पुलिस पास जाकर पूछते हैं कहते हैं ताकि कोई पैसेंजर हमारे ऑटो में एक बैग छोड़ दिया है हमने उनको ढूंढा नहीं मिला, अगर आपके पास किसी ने शिकायत करते हैं तो ये बैग पहुंच दिया, तो इस जमाने में इतना पैसों की तंगी है अब ऑटो रिक्शा चलाना भी मुश्किल हो गया है, ताकि कांग्रेस सरकार जब बस फ्री हो गया है तब ऑटो ड्राइवरों को मुसीबत आ गई है, फिर भी इतना होते हुए भी इतनी ईमानदारी से पुलिस वालों को जो भी ऑटो ड्राइवर में छोड़ देते हैं तब अपने ईमानदारी से ही पहुंचाते हैं, तब ऐसे ईमानदार इस दुनिया में लोग हैं तो आजकल ऐसा जमाना थोड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि आजकल किसी की ना किसी की टोपी इसकी टोपी उसके सर उसकी टोपी इसके सर तो ये तो जमाने में चलता ही रहता है, मगर ईमानदार ऑटो वालों का हमने एक एपिसोड बनाया है इसी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट में। आज एक बैग मेरे ऑटो के अंदर पैसेंजर छोड़ गए थे, एक मौलाना दो लेडीज थे साथ में, वो लगाए गांधी चौक के अंदर छोड़ गए थे बैग, वो हमारे सरदार रिपोर्टर इनके साथ में ले जाके पुलिस स्टेशन ले जाके जमा कर गया था बैग। अगर किसी को भी ये रहा बोले तो ले जाए पुलिस स्टेशन के अंदर ले सर।